तो हम लोग ने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 और ये सब चीजें जो आज हम करेंगे ये हमारी उस के ऊपर बेस्ड है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था अपना, हम लोगों ने एक्सप्रेशंस और उसके सब्स्टिट्यूशंस पढ़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, हमारे पास दिया गया टेन इनवर्स 1/2 √(x²-1) |x|(1), ये हमारे पास है। तो अब क्योंकि जो डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो वी आर हैविंग दिस, तो इसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन क्या आएगी, पुट x = sec θ, सो ये बन जाएगा वी गेट tan इनवर्स ऑफ sec²θ-1 = दिस इज tan²θ। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ (1/tan θ) एंड दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स ऑफ cot θ, बट क्योंकि अब बाहर tan है तो हम cot को tan में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, विल राइट इट एज tan ऑफ (π/2-θ) सो दिस इज π/2-θ इज द आंसर फॉर अस। तो सिंपली हम लोगों को उसको सिंप्लीफाई करना है और उसको डायरेक्टली इस तरह से लेके चल रहे। नाउ द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। हमें दिया गया ये tan इनवर्स अब देखिए जब भी ये रूट में है तो हम इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे डायरेक्टली। कोई आप में से मुझे बता सकता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, एनी वन ऑफ यू? वन माइनस कॉस एक्स क्या होता है, वन माइनस कॉस एक्स इज 2 sin²(x/2), और 1 + cos x इज 2 cos²(x/2). दिस टू एंड दिस टू गेट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा tan इनवर्स (sin²cos)(sin²(x/2) और (cos²(x/2) हो गया (tan²(x/2). अब क्योंकि ये रूट में है तो इसको हम लोग रूट से बाहर लेके चल सकते हैं एंड इट इज tan इनवर्स ऑफ (tan²(x/2). अब यहां पे इसने ना हमें बोला है कि एज x < π, दिस इंप्लाइज दैट (x/2) = π/2, तो देयरफॉर इट लाइज, हम क्या सकते हैं, (x/2) लाइज इन
प्रिंसिपल वैल्यू इट लाइज इन प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ टेन. तो देयरफॉर टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू. दिस इज द आंसर. तो आपके पास ये हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, तो आपने इसको इसी तरह से सिंप्लीफाई करना. यू जस्ट हैव टू कीप दिस थिंग एज सिंपल एज इट इज. तो आप इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन टू अस एज टेन इनवर्स cos x minus sin x whole divided by cos x plus sin x. अब जब भी हमारे पास ये इस फॉर्म में होगा ना, cos x minus sin x upon cos x plus sin x, या ऊपर प्लस होगा cos x plus sin x, नीचे cos x minus sin x, जब भी ऐसा होगा तो हम लोग करेंगे डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय cos x upon cos x. सर यहां पर माइनस है, इसको मैं ठीक कर लेता हूं. दिस इज माइनस और यह आ जाएगा sin x upon cos x. और ये प्लस में. सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1 minus tan x whole divided by one plus tan x. This is tan pi by 4 minus tan x. tan pi by 4, सॉरी इसको हम लिखेंगे इस तरह से 1 प्लस tan pi by 4 tan x. नाउ इफ यू सी, ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो ये आपके पास बन जाएगा, ध्यान से देखना. अब ये है हमारे पास tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. ठीक है जी, तो हम लोग इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan pi by 4 minus x. ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या जाएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स. तो अब आप आगे मुझे ये बताइए कि इसको मुझे क्या लिखना चाहिए. शाबाश,
देखें जी, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं, आपने सिर्फ ये टेन इनवर्स और टेन हटाना है, सो दिस विल गिव यू 5/4 - 6, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। तो दिस इज द सिंपल आंसर। हमारे को जो भी कुछ डिपेंड करता है वो करता है कि हमारे पास दिया क्या गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में हमारे पास दिया हुआ है x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हम लोगों ने सीखा था, और यहां पे हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ x इज लेस देन ए। और हमें यहां पे जब भी इस तरह की अगर कोई एक्सप्रेशन है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या है, पुट x इज इक्वल्स टू a sin थीटा, x upon a is equals to sin theta, or this implies that theta is equals to sin inverse x upon a. तो ये ध्यान देने वाली बात है। Now, आपके पास क्या बन जाएगा, we get tan inverse of x की जगह पे आ जाएगा a sin theta whole divided by under root of a square minus a square sin square theta। अब यहां पे ये दो a square common है, तो common ले लेते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा equals to tan inverse a sin theta, ए स्क्वायर कॉमन लिया 1 - sin² थीटा, और इट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा। अभी ये जो मैं करने वाला हूं उसको देखिएगा, ए स्क्वायर एज इट इज रहने दो, 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, एंड दिस बिकम्स tan inverse a cos theta। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी और दिस इज इक्वल्स टू थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू थीटा, तो वी कुड राइट इट एज, अब थीटा हम लोगों ने क्या निकाला था, थीटा हम लोगों ने देखा था इट वॉज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। तो देखिए जी, ये क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, छोटे छोटे, ठीक है, तो आप इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम चलते हैं, वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज इंपॉर्टेंट, तो आप ये नोट करें फटाफट से, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। I will ask after this question कि आपको कुछ चीज अगर क्लियर नहीं है तो, this is given to us as tan inverse 3a square x minus x cube whole divided by a cube minus 3ax square। चलिए, हम लोग क्या कहते हैं, और हमारे पास ना यहाँ पे गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस ए अपॉन रूट थ्री इज लेस देन इक्वल टू
ठीक है। तो यहां देखते हैं, इफ वी सी तो हम इसको लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू टेन थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मैं ना इसको यूज करूंगा, ये हम लोग आगे फर्दर यूज करेंगे, देखते जाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा को गिवन ही इसलिए कि हमें इसको यूज करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस। तो आपके पास क्या बच्चे, यहां पे एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा और हमें मिल गया थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो चलिए ऊपर अब लगाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा का होल क्यूब। देन डिनोमिनेटर में बच्चे ये आएगा ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर को लिखेंगे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस थिंग विल बिकम व्हाट, टेन इनवर्स देखेंगे पुत्र थ्री ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय पुत्र, ये बनेगा क्या, दिस विल बी ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। नाउ न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से ना हम लोग ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा टेन थीटा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब कॉमन लेंगे तो बनेगा वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये ए क्यूब गेट्स कैंसिल। अब ये जो पीछे बन गया, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, क्या ये बन गया मेरे बच्चे ऐसे थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। और ये किसकी आइडेंटिटी है, ये टेन थ्री थीटा की आइडेंटिटी है। अब ये हमारे पास अगर ये कुछ गिवन ही ना होता बच्चे, अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो मैं डायरेक्टली इसको थ्री थीटा लिख देता, लेकिन यहां पे हमें ये गिवन है तो हमें इसका ध्यान रखना है। नाउ लुक एट द थिंग्स जो हमें लेके चलनी है, एज माइनस ए अपॉन रूट थ्री इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए अपॉन रूट थ्री, एक्स का वैल्यू लगा दीजिए माइनस ए अपॉन रूट थ्री इज लेस देन इक्वल टू ए टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू ए अपॉन रूट थ्री, और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज लेस देन इक्वल टू टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री। नाउ दिस इज माइनस टेन पाई बाय सिक्स
इज लेस देन इक्वल टू टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू टेन पाई बाय सिक्स बन जाएगा। अब ये माइनस पाई बाय सिक्स है तो माइनस पाई बाय सिक्स में माइनस क्या चला जाता है, माइनस गोस इनसाइड, है ना, ये यहां से इधर इधर अंदर चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, वी विल राइट इट एज टेन ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स इज लेस देन इक्वल टू टेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू टेन पाई बाय सिक्स एंड दिस इंप्लाइज दैट माइनस पाई बाय सिक्स इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय सिक्स। लेकिन हमें ढूंढना किसको है, हमें ढूंढना है थ्री थीटा को, तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना सबको, तो माइनस पाई बाय टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू विच लाइज इन द इंपॉर्टेंट इज वॉट प्रिंसिपल वैल्यू which lies in principal value of 10. So, yeah, there you go. This is equals to 10 inverse of tan 3 theta equals to 3 theta. और थीटा का वैल्यू जब हम लगाएंगे तो दिस बिकम्स थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा यहां से लेके यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना तो हम पता लगा ही नहीं सकते कि ये जो है ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज में फॉल कर भी रहा था कि नहीं कर रहा था। तो ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गो थ्रू करिए फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट, कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज पूछें। वी आर हैविंग टेन इनवर्स टू कॉस इंटू टू साइन इनवर्स वन बाय टू। देखिए हम लोग यहां पे सबसे पहले ना ये अंदर वाले को सॉल्व करेंगे जो सबसे अंदर ब्रैकेट में, फिर इसका जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग सेकंड वाले के साथ देके चलेंगे एंड देन हम थर्ड वाले को वो करेंगे। तो आप देखें यहां पे वी विल बी राइटिंग इट एज, क्या लिखना चाहिए मुझे, मुझे लिखना चाहिए टेन इनवर्स टू कॉस। अब देखिए यहां पे ना हमारे को कोई प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं ऐसा वो दिया हुआ, तो मानेंगे कि हम प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर ही बात कर रहे हैं। अब वन बाय टू किसकी वैल्यू है, इसको हम लिखेंगे टू पाई बाय थ्री, पाई बाय सिक्स, सॉरी नॉट पाई बाय थ्री, इट्स पाई बाय सिक्स। वन बाय टू इज वैल्यू ऑफ पाई बाय सिक्स। तो पुत्र जी ये बन जाएगा आपके पास सिंपली टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाय थ्री। अब टू कॉस पाई बाय थ्री इज सिंपली यू जस्ट हैव टू यूज द वैल्यू टू इंटू कॉस पाई बाय थ्री इज वन अपॉन टू एंड देन एंड दिस इज टेन इनवर्स वन and finally we get as 5 by 4. So this is the answer for us. So this was very very simple. अगले question में आप मेरी help करेंगे. The अगला question is cot 10 inverse A plus cot inverse A.
आपने मुझे सिर्फ इतना सा बताना है कि मैं इसको क्या लिखूं, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं। ये एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये मुझे क्या लिखना चाहिए, एनी वन ऑफ यू, मुझे कोई भी बताएगा मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे लगेगा कि मेरा काम पूरा हो गया, एनी वन, मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ते हैं घर में, कोई तो बता दो, एनी वन ऑफ यू। देखो जी, इज्जत बेइज्जती का सवाल है मेरी, कम ऑन, सर पाई बाय टू। दिस इज पाई बाय टू। थैंक यू दांशी एंड थैंक यू सोनू। तो दिस इज पाई बाय टू। हम लोगों ने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। हमने पढ़ा था कॉस sec inverse x plus cosec inverse x is pi by 2 and tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2. अब cot pi by 2 होता है 0, बस this is the answer for us. तो this is the answer for us. तो हमारे लिए ये एक answer. Before we go further, नेक्स्ट हम करते हैं, आप मुझे ये बताएंगे, सबसे पहले आपको याद है मैंने आपको बोला था कि हम 2 tan इनवर्स x को ना हम क्या लिख सकते हैं, हम या तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है। तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो हमारे पास गिवन है tan ऑफ 1 बाय 2 ब्रैकेट में है गिवन साइन इनवर्स 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus now this is अब ये देखो ये क्या है साइन इनवर्स 2x, यानी एक तरह से हमें ये टेन इनवर्स x का ही वैल्यू है, तो दिस इज 2 टेन इनवर्स x। इफ वी सी हियर, तो हमारे पास ये 2 टेन इनवर्स x की ही वैल्यू हम लोगों के पास गिवन है, तो आई विल बी राइटिंग इट एज 2 टेन इनवर्स x प्लस 2 टेन इनवर्स y, बिकॉज ये दोनों tan इनवर्स क्या ही प्रॉपर्टी है tan इनवर्स की ही। अब इस केस में यह आएगा tan 1 अपॉन 2 ये हमारे पास क्या देगा, आप 2 कॉमन ले सकते हैं इधर से बाहर, वी कैन टेक दिस 2 कॉमन और हमारे पास अंदर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आप देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कुछ नहीं करना, बस आपने इसकी आइडेंटिटी यूज कर लेनी प्रॉपर्टी tan की शेप में,
बिकॉज बाहर टेन, अगर यहाँ बाहर साइन होता तो हम इसको साइन की शेप में चेंज करते, और अगर बाहर कॉस होता हम इसको कॉस इनवर्स की शेप में चेंज करते। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। सो दिस इज एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। तो इस तरह से हम लोगों को ये इसका वैल्यू मिल गया। तो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करके वी हैव गॉट दिस थिंग दैट इट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो आज ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए, जितने भी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं, इसको आप गो थ्रू करेंगे, सॉल्व जरूर करेंगे अपने नोटबुक्स के ऊपर, एंड देन इसके आगे हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये जो भी हम लोग कुछ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये आगे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों जगह पे आपको काम आने वाला है। सो इसको आज आपने घर जाके रिवाइज जरूर करना है, घर पे दोबारा से एक बार करना है वीडियो देख के, एंड यहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी यू विल ऑल हैव टू आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज इतने रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे, कल इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग घर पे रहें, प्रैक्टिस करते रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने बड़ों का भी ध्यान रखें, और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग अभी इस पर्टिकुलर टाइम में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। सो दीज आर समथिंग जो उन बच्चों तक पहुंच जाए तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय हिंद वंस अगेन।